नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका केपी चार्जर चैनल में और मैं हूं आपका फ्रेंड केपी प्रजापत। आज के इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूं Xiaomi Poco F1 का, जो मैंने आज ही खरीदा है फ्लिपकार्ट से। तो चलिए दोस्तों वीडियो के साथ। फ्लिपकार्ट से और मैंने ये खरीदा है 20,999 से फ्लिपकार्ट से। तो चलिए दोस्तों इसको अनबॉक्स करते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो इसके लिए मैं पहले बॉक्स को फटाफट ओपन कर लेता हूं दोस्तों। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये नॉर्मल बॉक्स में है और फिर मैं इसको साइड करता हूँ। ये कुछ इसके बिल्स हैं, मैं इसको साइड करता हूँ और काफ़ी अच्छी इसकी पैकिंग है, इसको भी साइड करता हूँ मैं। तो ये आपने देखा कि Poco by Xiaomi लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो किसका येलो कलर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों फटाफट इसको मैं इसकी प्लास्टिक को रिमूव करता हूँ दोस्तों। और ये एक छोटा सा लॉक है, इसको भी मैं हटाता हूँ। काफ़ी येलो कलर दिया है इसमें, कुछ रोल होने वाला है। ये है इसका कुछ केस, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। मैं इसको रखता हूँ साइड में और चलो अब सीधा फ़ोन पे चलते हैं। ये हमें मिला है Poco F1, जो इस पर लिखा है Qualcomm का 845 का स्नैपड्रैगन का इसमें CPU है, लिक्विड कूलिंग सिस्टम है, AI ड्यूल कैमरा है, 20 MP फ्रंट कैमरा है आप जैसे इसमें देख रहे हो, और 4000 mAh की बैटरी है। चलो वो भी बात सारी बाद में करते हैं, पहले फ़ोन को रखते हैं साइड में और पहले इसमें जो भी पैकेट में वो देखते हैं। ये आपको मिलता है इसके साथ एक चार्जर, काफ़ी फास्ट चार्जर है। इसमें आपका 240 वोल्ट और इसमें आपके 5 वोल्ट 3 एम्पियर, 9 वोल्ट 2 एम्पियर एंड 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर में ये आपको मिलता है एक अच्छा सा चार्जर। और इसके बाद ये पावर केबल है आपके पास, इसके जो कि डेटा केबल, ये आपको टाइप ए टू टाइप सी डेटा केबल। और जो आपको नीचे दिख रहा है सिम इजेक्टर छोटा सा, इसको भी मैं निकाल लेता हूँ। तो पैकेट काफ़ी अच्छा है, अब की बार Xiaomi ने काफ़ी अच्छा किया है। तो अभी मैं ये देख लेता हूँ कि जो केस है इसका, ये कुछ सिंपल पेपर वर्क है, इसको मैं साइड करता हूँ। और ये इसके साथ जो ये कवर है, काफ़ी फ्लेक्सिबल कवर है। आप देखिए थोड़ा सा इसमें ब्लैक वेरिएंट आया है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर Poco जा रहे हो परचेज करने तो यू शुड, आपको यही रखना चाहिए क्योंकि इन्हें कंपनी ने दिया है। काफ़ी सिलिकॉन का बना हुआ है, काफ़ी आजकल के फ़ोन में यही आता है। तो इसको मैं करता हूँ साइड। अब बात करते हैं हम डायरेक्ट फ़ोन पे। जैसे कि आप देख रहे हो Poco F1 काफ़ी अच्छा है। तो सबसे पहले मैं इसके कर लेता हूँ कुछ फिजिकल की बात। यहाँ पे आपको मिलता है ये पावर बटन, यहाँ पे एक पावर बटन मिलता है, उसके बाद आपको मिलता है वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, ऊपर में मिलता है आपको 3.5 mm का जैक, और यहाँ पे आपको मिलता है एक सेकेंडरी माइक, और इसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है एक सिम ट्रे। यहाँ पे चलो हम चेक कर लेते हैं पहले सिम ट्रे। तो इसको मैंने किया, आई थिंक इट विल बी हाइब्रिड सिम, और चलो देखते हैं इसमें क्या क्या है। ओके, इसमें आप वन सिम के साथ मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो, अदरवाइज 2 सिम इसमें यूज कर सकते हो आप। तो दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये फ़ोन, तभी मैंने परचेज किया है। तो इसका करते हैं, मैं ये प्लास्टिक इसकी रिमूव करता हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया था, यहाँ पे है ये टाइप सी USB चार्जर के लिए पोर्ट, और ये आपको मिलता है एक माइक के लिए और ये स्पीकर के लिए। तो काफ़ी लुकिंग में काफ़ी अच्छा है फ़ोन, और इतना वेट भी नहीं है जितना मैं एक्सेप्ट कर रहा था कि इसका वेट कुछ ज़्यादा होगा, उतना बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी नॉर्मल वेट है। तो चलो हटाते हैं इसकी प्लास्टिक को सबसे पहले। ओ क्या, वेरी गुड। तो अब करते हैं इसको फटाफट बूट और इसके कुछ फंक्शंस के बारे में बात करते हैं हम। तो आपने देखा कि Poco by Xiaomi छोटे से नीचे लिखा है, तो काफ़ी अच्छा आने वाला है ये, इसका कलर में काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो जैसे ही ये बूट होता है, तब तक के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ओ काफ़ी जल्दी बूट हो गया ये। और इसका जो कि थीम दी है बिल्कुल अच्छी थीम है, और यहाँ पे फंक्शन भी इसमें जो आप देख रहे हो काफ़ी अच्छे अच्छे फंक्शन है इसमें ऑलरेडी। तो अभी मैं आपसे को बता देता हूँ कि इसमें सबसे पहले हम चलते हैं इसकी सेटिंग में, कुछ देखते हैं कि इसमें सेटिंग में क्या क्या है। ओके वन मिनट। ओके, यहाँ पे आपको मिलता है मॉडल नंबर Poco F1, एंड्रॉयड वर्जन 8.1.0 जो काफ़ी लेटेस्ट वर्जन है, एंड्रॉयड सिक्योरिटी पेज भी लगा है काफ़ी अपडेट, और इसमें आपको MIUI ग्लोबल 9.6 जो आज की डेट में वेरी पॉपुलर अब स्टेबल है वो आपको इसमें दी जा रही है। और
सीपीयू हमें मिलता है ऑक्टा कोर मैक्सिमम 2.8 गीगाहर्ट्ज का, जो आज की डेट में वेरी पॉपुलर है। रैम 6 GB, और ये जो मैंने वेरिएंट परचेज किया है 6 GB प्लस 64 GB इंटरनल मेमोरी। और यहाँ पे हम देख लेते हैं इंटरनल स्टोर 54.71 GB है और काफ़ी अच्छा है। तो चलो एक मैं अभी जल्दी से एक फ़ोटो शूट कर लेता हूँ और फिर देखते हैं इसकी डिटेल्स कैसे आती हैं। तो चलो मैं अभी एक इसके बैक कैमरे से इसकी फ़ोटो शूट कर रहा हूँ। ओ मैंने अभी इसका थोड़ा ये रिमूव करना था, अभी इसको रिमूव नहीं किया काफ़ी। मैं इसके एक फ़ोटो लेता हूँ, काफ़ी अच्छा क्लिक है। अभी मैं फ़ोटो को थोड़ी डिटेल्स देखता हूँ कि कैसी फ़ोटो आई है इसकी। तो आप जैसे देख रहे हो फ़ोटो काफ़ी क्लियर है, मैंने थोड़ा कोई जूम नहीं किया, थोड़ा पीछे से किया था, मतलब काफ़ी रिडेबल फॉर्म में है। और अभी मैं ले लेता हूँ एक सेल्फी इसके साथ। तो 1 मिनट मैं इसको सेल्फी मोड पे थोड़ा चेंज करता हूँ, देखते हैं इसकी। AI कैमरा इसमें भी है। और चलो दोस्तों अभी मैं एक सेल्फी क्लिक करता हूँ AI 20 MP कैमरा के साथ। मैंने किया क्लिक और अभी मैं इसकी कुछ डिटेल्स ले लेता हूँ। ओ काफ़ी अच्छी डिटेल्स मिल रही है मुझे, मेरे पास मैंने शायद पहले फ़ोन कभी ऐसा नहीं देखा जिसकी इतनी अच्छी डिटेल्स आपको दिख रही है। आप देख लीजिए डिटेल्स काफ़ी क्लियर हैं। तो दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे सबसे बढ़िया 6.82 जो इसका नॉच वाला डिस्प्ले है काफ़ी मुझे पसंद आया दोस्तों। कैमरा भी काफ़ी अच्छा है और अभी इसमें मैं खेलने वाला हूँ गेम जो कि पबजी, और उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूँ कि गेम के बाद ये कैसा करता है। दोस्तों काफ़ी मार्केट में जब लॉन्च होने से पहले इसका हल्ला हो रहा था कि ये लिक्विड कूलिंग के साथ है। तो दोस्तों आज मैं बताता हूँ आपको इस वीडियो में, शायद आपसे पहले इस किसी ने नहीं बताया होगा इस वीडियो में कि लिक्विड कूलिंग क्या है। तो दोस्तों लिक्विड कूलिंग के लिए मैं बता देता हूँ कि आप इस फ़ोन के अंदर जो हार्डवेयर के अंदर एक CPU लगाया है हमारे पास, CPU के नीचे हमारे पास एक कॉपर की एक स्टिक लगी है कॉपर की, वो किसी से कनेक्ट नहीं है, मीन्स उसको कोई एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत नहीं है। और उसमें कुछ लिक्विड भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर कि वो लिक्विड गैस फॉर्म में है, लिक्विड है जो भी है, बट उसमें है कुछ लिक्विड। और जैसे ही आपका फ़ोन हीट करता है, CPU प्रोसेसर हीट होता है, तो ऑटोमेटिकली जो वो कॉपर की रोड लगी है अंदर, वो उसको हीट को अब्जॉर्ब कर लेती है और उसको कूलिंग प्रोवाइड कराती है। जो उसके आसपास जितने भी और भी कंपोनेंट्स लगे हैं वो भी उससे कूल रहते हैं। आपने काफ़ी बार देखा होगा गेमिंग PCs जो आते हैं या फिर नॉर्मल आप लैपटॉप पे देखते हो, हमारे प्रोसेसर के पास से फैन तक जाने के लिए सेम टाइप की कॉपर की एक स्टिक लगी होती है मूवेबल करके, तो सेम वही इसी पे यहाँ पे यूज किया है। आप इमेज में देख सकते हो कि जैसा मैंने यहाँ पे इमेज में आपको दिखाया कि ये कॉपर की स्टिक यहाँ पे लगी होती है। तो दोस्तों कैसा लेटेस्ट फ़ोन है नोकिया 6.1 प्लस, उसके साथ इसके काफ़ी वीडियोस एंड फोटो शूट करने वाला हूँ और वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो तब तक के लिए